Good morning, India. Your dost and host Rakesh Mishra, doston, all the way from Toronto, Canada. Hazir has Monday ki is morning sabha mein. Dosto, aaj kafi late ho gaya. Maafi chahunga. To chaliye dosto, aaj ka topic hai. So hopefully you had a lovely weekend wherever you are. So dosto, jo aaj ka topic hai, wo बहुत दिन से यू नो सोच रहा था इस टॉपिक को इंक्लूड करने के लिए. एंड बेसिकली एक हमारे वैन जायर साहब हैं, तो उनको मैं बहुत सुनता था, तो एक उन्हीं का ये प्रोग्राम है. तो उसमें जो टॉपिक आज का है दोस्तों, हाउ टू बी अ नो लिमिट पर्सन, कि कोई लिमिट ही ना हो अपने आप में, इतना कॉन्फिडेंस हो. तो आज का टॉपिक ये है और ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों. चलिए इस पर थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो दोस्तों, जैसा कि बताया कि आज का टॉपिक है हाउ टू बी अ नो लिमिट पर्सन. तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारे अंदर लिमिटेशंस क्यों आती हैं? तो लिमिटेशंस दोस्तों आती हैं हमारे अंदर सेल्फ डाउट से. और सेल्फ डाउट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हम में कॉन्फिडेंस नहीं होता है. और ये कॉन्फिडेंस हमारा टूटता है दो जगहों पे दोस्तों. व्हेन वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट समथिंग, कि यार ये प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, यार कैसे इसको फिगर आउट करूँ, एक तो ये चीज़ होती है. और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम इस पोजिशन पर होते हैं कि नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं. या तो दो चीज़ें बेसिकली, अगर आप अपने आप को मास्टर कर लें कि हाउ टू फिगर आउट थिंग्स एंड हाउ टू नेगोशिएट थिंग्स, then you become unstoppable and then you become a no limit person. So दोस्तों, आज हम इसी पे आगे चलेंगे कि how to make things figure out, how you can figure out everything in your life no matter what situation is. तो एक तो उसके बारे में बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे कि how to negotiate, how to become a best negotiator. तो चलते हैं इसी पे, ड्रिल डाउन करते हैं आगे चल के इन दोनों चीज़ों पे. और इन दोनों पे अगर मास्टरी दोस्तों हो गई तो यू बिकम नो लिमिट पर्सन. तो दोस्तों, जैसा आपने मेरे को फॉलो किया होगा, सुना होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस टाइम पे आज हम जी रहे हैं दोस्तों, इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के वर्ल्ड में जी रहे हैं और जहाँ पे हम जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, इन वेरी डिफरेंट वर्ल्ड वी आर मूविंग दोस्तों. आज की डेट पे जो हर 6 महीने में चेंजेस आ रहे हैं, आज के 50 साल पहले वो 10-10, 20-20 साल में वो चेंजेस आते थे. या तो इट्स वेरी टर्बुलेंट टाइम, बट गुड न्यूज इज दैट वी आर लिविंग इन वन ऑफ द बेस्ट टाइम ever in human race. You know, the kind of the facilities you have, the kind of the technology we have, chahe wo medicine ke field mein ho, chahe jis field mein bhi ho, logo ki longevity badh rahi hai, you know, kya kya inventions ho rahe hain, to ek bahut acha samay pe hum log jee rahe hain. To I think agar hum isko achhe tarike se upyog mein na laye aur apne aap ko no limit person na banaye, to ye bahut badi hum opportunity se hum chook jayenge. To dosto, ये सोशल मीडिया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी हैज़ इक्विप्ड अस, हैज़ प्रोवाइडेड अस रिसोर्सेज दैट एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, एनीथिंग यू कैन फिगर आउट. कुछ भी है आपको, चाहे वो जॉब पे हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ पे हो, चाहे कोई, यू नो, वी आर लिविंग इज इंफॉर्मेशन एज, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल. हाँ दोस्तों, हाँ, अभी फिगर आउट करने के दो साधन होते हैं, एक फ्री साधन होता है और एक पेड साधन होता है. अब फ्री साधन में दोस्तों, जैसे कि गूगल, इतनी पावरफुल चीज़ है, कोई नई चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस कभी कभी अपने आप में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार इस चीज़ को कैसे पता करें, हम एकदम अपने आप को टेंशन में ले आते हैं. अरे उस चीज़ को आप टाइप करें कि हाउ, या जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं आप उसको गूगल में टाइप करो, देखिए कैसे कैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. या यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ, बुक्स हैं दोस्तों, जिस भी फील्ड की आपकी आपको लग रहा है कि कैसे फिगर आउट करें, इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करें, हाउ टू फाइंड टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, अ पर्टिकुलर एक्टिव, अ पर्टिकुलर टास्क, यू नो, YouTube, Google, तो मैंने बताया ही, देयर इज अ बुक रिटन. एनी टॉपिक यू चूज, यू गो टू amazon.in और amazon.com और amazon.ca और किसी भी कंट्री में, मोस्टली बहुत जगहों पे Amazon है, और उसमें जो भी आपका कंसर्निंग टॉपिक है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीधे वही फ्रेज आप टाइप कर दें
Amazon ke search bar mein and you will see so many books and just buy the book. Yeah? Or once you find the title of the book, you go and type the same title inside the YouTube search bar and chances are there that there might be an audio book freely available for you. Yeah? So these are the there are so many podcasts. I don't know if you are aware what podcast is. Podcast basically like offline radio. So these are the podcasts, the people, these are the audio interviews. It can be just mono, one person, or it can be two person or three person sitting in the same location or remotely. Wo ek topic le lete hain. हर कैटेगरी वाइज अलग अलग पॉडकास्ट हैं उनको आप सुने और उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या सो ये सारे फ्री रिसोर्सेज है दोस्तों सो एवरीथिंग इज ए फिगर आउटेबल हाउ बिकॉज ऑफ यूजिंग दीज रिसोर्सेज तो एक बार फिर से मैं नाम लेना चाहूँगा इन फिर रिसोर्सेज को कोई मैं नए नहीं बता रहा हूँ लेकिन एक गूगल है यूट्यूब है बुक्स हैं पॉडकास्ट हैं कॉन्फ्रेंसेज हैं ये सारे फ्री रिसोर्सेज आपके पास हैं मैं पॉडकास्ट को बहुत ही अहमियत देना चाहूँगा दोस्तों PODCAST पॉडकास्ट यू नो सो किसी भी टॉपिक पे सर्च करें यू माइट फाइंड अ पॉडकास्ट एंड स्टार्ट लिसनिंग दैट तो करंट एपिसोड भी उसमें सुन सकते हो और आपके पास्ट के एपिसोड भी सुन सकते हो दैट इज़ द बेस्ट वे कभी कभी लगता है अब जैसे अमेरिका है और कनाडा है यहाँ पे आज की डेट पे हजारों रादर लाखों पॉडकास्ट हैं और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है 100 पॉडकास्ट भी आज की डेट पे नहीं होंगे क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है लेकिन और फ्री में दोस्तों अब जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ एक तरीके से पॉडकास्ट ही है ये तो बल्कि लाइव है फेसबुक हम वीडियो होता है और ये मैं फेसबुक ऑडियो लाइव यूज़ कर रहा हूँ फॉर फ्री एंड आई रीचिंग आउट टू द ग्लोब हूएवर इज लिसनिंग टू मी या सो दोस्तों तो ये तो मैंने बताया फ्री और इसी तरीके से पेड रिसोर्सेज भी आप यूज़ कर सकते हो सपोज क्या दोस्तों आपका कोई बिजनेस है फॉर इंस्टेंस आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया अब क्या हो रहा है कि वो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपका HR होता है मार्केटिंग होती है सेल्स होती है सपोर्ट होता है देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट यू माइट बी अ चैंपियन इन वन आर टू डिपार्टमेंट बट मे बी नॉट अदर्स सो वॉट So what had happened, if you have stuck and not able to figure out that particular problem, what you can do? Whatever you are doing, somebody might have done it. So there might be someone, you know, you can hire a coach, you can hire a mentor. Focus on value, not on the cost. अरे मैं $1,000 दूंगा या $2,000 दूंगा किसी को दो घंटे कंसल्टिंग के लिए या कोचिंग के लिए या मेंटरशिप के लिए और अरे 2,000 तो आप कॉस्ट पे फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा लूज करेंगे तो रादर वो $2,000 दे के $1,000 दे के $10,000 दे के हायर अ मेंटर और कंसल्टेंट वो आपकी प्रोसेस को इतना फिक्स कर देगा इतना सोल्यूशन देगा कि आपको वो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा एंड यू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बिकम figureoutable for you so there are so many paid avenues available there are coaches there are mentors and there are paid programs so all are available to ye hai doston ki aaj jis samay mein hum jee rahe hain everything is figureoutable aur uska maine bataya free tarike kis tarike se uske paid tarike kis tarike se to doston agar koshish kare ki पेड तरीकों को यूज़ करें तो उसमें आपका टाइम बचेगा और बहुत आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा और आपके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्वाइट क्विक होंगे और वॉल्यूम वाइज भी बहुत ज़्यादा होंगे तो दोस्तों ये था हमारा कि एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल एंड हाउ यू कैन अचीव इट अब दूसरी प्रॉब्लम आती है दोस्तों नेगोशिएशन की ठीक है आप सेल्स में हो सकते हैं अच्छा इसके पहले मैं नेगोशिएशन पे जाऊं चलिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूं कि कुछ नाम लेता हूं हमारे लेडीज एंड जेंटलमैन ने ज्वाइन किया है बहुत बहुत अच्छा लगता है और अगर आप अपना सिटी टाइप करें कि किस सिटी से आप सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों मेरे को तो चलिए मैं कुछ नाम यहाँ पर लेता हूँ हमारे संजू मिश्रा जी हैं इंडिया से और मुकुल देसाई साहब हैं थैंक यू वेरी मच अरे पूर्णिमा जी आप भी हैं क्या बात है थैंक यू वेरी मच राकेश दत्त जी हैं हमें सुन रहे हैं कहाँ से सुन रहे हैं अगर अपनी उस जगह का नाम टाइप कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि आप इंडिया में हैं या किसी और कंट्री से हैं कौन सी सिटी से हैं तो बहुत अच्छा लगेगा सुन के बड़ा अच्छा लगता है सो पूर्णिमा जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट दैट यू लाइक द टॉपिक सो थैंक यू
वेरी मच. अशोक शर्मा जी मेरे को सुन रहे हैं और मियां अशरफ साहब मेरे को सुन रहे हैं. थैंक यू वेरी मच सधोला भाई साहब. ऑल यू नो कंग्रेट आई मीन द वेलकम बैक. आई थिंक आपको देखा था यू आर फ्लाइंग बैक. सो थैंक यू वेरी मच सधोला भाई साहब. आपका इनकरेजमेंट हमेशा सराखों पे. तो चलिए तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जॉइनिंग. सो एज आई सेड इफ यू कैन टाइप योर सिटी विच सिटी यू आर लिसनिंग फ्रॉम दैट विल बी वंडरफुल वंडरफुल. या सो दोस्तों चलिए तो जैसे मैंने टॉपिक आज का टॉपिक था कि हाउ टू बी अ नो लिमिट पर्सन. तो उसमें क्या था दोस्तों कि मैंने बताया कि ये आपकी लिमिटेशंस क्यों होती है. बिकॉज हमारे अंदर सेल्फ डाउट होता है जो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू होता है. और कॉन्फिडेंस हमारा लूज इसीलिए होता है कि हमें लगता है कि यार हम ये चीज़ कैसे फिगर आउट करें. तो यू नो तो आई जस्ट एक्सप्लेन हाउ एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल एंड आई मेंशन दोज रिसोर्सेज. और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप नेगोशिएशन करने में थोड़ा सा डरते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे कोई वो डील हो. और मैं भी किसी से लास्ट टाइम मैंने बात किया तो किसी ने फ़ोन किया, उनसे बात हो रही थी, बोलते राकेश जी मैंने आपको सुना, और यूएस में है, और बोले मैंने राकेश जी आपको सुना एंड व्हाट यू डिड एग्जैक्टली आई डिड एंड टू टेल यू द ट्रूथ आई सेव्ड अराउंड $500. उन्होंने कैसे बचाए, वो इस तरीके से बचाया कि मैंने उस पर ये शो किया था कि जितनी भी आपकी यूटिलिटीज़ या टेलीफोन इंटरनेट जितनी भी सर्विसेज आपके या सब्सक्रिप्शन है जितने भी यूज़ कर रहे हैं, आप क्या करें कि सबकी लिस्ट बनाएं और सबको फ़ोन करें और उनको बोलें कि आई वॉन्ट टू नेगोशिएट because I've been in a long loyal customer and I feel that I have better options available, so I want to negotiate. And she got the you know immediate sometimes 50% discount, sometimes 60% discount, or some options she got free. So in a 6 months to 1 year plan she saved $500. Can you understand ladies and gentlemen, ek call ne unke $500 bachwa diye. To kisi ka bhi ho sakta hai, you know everything is negotiable. So doston chaliye is pe aate hain ki apni jo negotiation skill hai usko hum kaise improve kare. Yeah, तो बड़ी छोटी सी चीज़ें हैं, हम दो चीज़ों पे आज फोकस करेंगे. तो हाउ टू इम्प्रूव योर नेगोशिएशन स्किल्स, हाउ टू मेक एवरीथिंग नेगोशिएबल. सो दोस्तों दो चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं नेगोशिएशन में. एक होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स या और दूसरी होती है हमारी पोजिशनिंग. चलिए इस पर थोड़ा सा हम और एलेबोरेट करेंगे कि क्या मतलब है. दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल से क्या होता है कि कभी कभी चाहे वो आप फ़ोन पे हों चाहे किसी से इन पर्सन मिलें, द वे यू टॉक. व्हेन आई से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज नॉट मेयर जस्ट लाइक अ सेंटेंसेज एंड द वर्ड्स. ऑफकोर्स दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट समटाइम यू नो योर बॉडी लैंग्वेज, the way you dressed up, of course if you are over the phone or agar video mein nahi hai ya aap in person nahi hai to person cannot see you to your dressing and those things doesn't come into the picture, but at least in that case only your command over the English, command over the confidence, how you talk, how you deliver. So the confidence in your talk, in that communication, that makes all difference the person other side. aap dare dare se hain, thoda sa confused hain to usko lage are theek hai kisi ne phone kiya hai, चलिए छोड़िए, हाँ नहीं हम करेंगे, हम नहीं डिस्काउंट देंगे या हम नहीं इस चीज़ को बेचेंगे. तो ये होता है दोस्तों. तो कम्युनिकेशन चाहे आप इन पर्सन हो दोस्तों और चाहे ओवर द फोन हो, ओवर द क्या कहते हैं कि जूम हो, स्काइप हो, कोई दोस्त वीडियो प्लेटफॉर्म हो, हर जगह ये कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेगोशिएट करने में. दोस्तों कोई भी चीज़ हो, कोई डील आपको करनी है, कोई रेस्टोरेंट खरीदना है, कोई सामान खरीदनी है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल इफ यू नो हाउ टू टॉक, इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट. या सो ये बहुत ज़बरदस्त स्किल है, अगर इसको आप मास्टर कर लें आपको हर जगह. अरे आपका नेगोशिएशन आपके बच्चों से होता है, बच्चे बोलते हैं पापा मुझे यहाँ पे जाना, ये चाहिए, ये फ़ोन चाहिए, लेकिन आप उनको अगर प्रॉपर रैशनल देखें और उनको कम्युनिकेट करें माय डियर सन और माय डियर डॉटर और माय डियर वाइफ, माय डियर फ्रेंड, दोस्तों से नेगोशिएशन होता है, हर जगह पे हम नेगोशिएट कर रहे होते हैं. तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. चलिए कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए
बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आप दूसरों के वीडियोस देख सकते हैं, और जिस चीज़ पे आपको नेगोशिएशन स्किल्स आपको चाहे वो सेल्स की है या जिसकी स्पेसिफिक अगर आपको नेगोशिएशन स्किल्स लर्न करनी है, गो टू यूट्यूब, टाइप दैट पर्टिकुलर फ्रेज फॉर दैट नेगोशिएशन, यू विल फाइंड सो मेनी फ्री वीडियोस. अदरवाइज यू कैन फॉलो द सेम पेड वर्जन, यू कैन हैव ज्वाइन द गो टू lynda.com, गो टू udemy.com, गो सो मेनी प्रोग्राम्स available, ladies and gentlemen. But just talk. You can have your accountability partner. कोई आपका दोस्त है कि हम भाई चलिए हम role play करते हैं. You know, you become customer and I become supplier and let's learn the negotiation skills. दोस्तों ऐसे आप कर सकते हो. तो बहुत सारे तरीके हैं. Conferences आप join कर सकते हो और वहाँ पे आपको ये बताया जाता है. बहुत सारे वीडियोस होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे ऑडियो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं. और एज फार एज योर वर्बल कम्युनिकेशन आर कंसर्न, द बेस्ट ऑलमोस्ट फ्री टूल दैट इज अ टोस्ट मास्टर. या आई बीन टोस्ट मास्टर लास्ट 7 years. आज आपसे बात कर रहा हूँ. टोस्ट मास्टर हैज़ टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, इन माई दैट हैज़ चेंज माई लाइफ. Toastmaster has given me a power, given me a voice, given me a confidence to share my stories, to share my knowledge, to share my experience. तो दोस्तों जस्ट जहाँ पे भी हों, जिस सिटी में भी हों, आप जस्ट टाइप करें टोस्ट मास्टर्स क्लब इन इंडिया. टोस्ट मास्टर, पता नहीं कितने लोगों को मैंने टोस्ट मास्टर यहाँ से ज्वाइन करवाया. जब मैं इस पर बोलता हूँ, लोग बोलते भैया ये टोस्ट मास्टर क्या, या राकेश या सर जो भी है ये टोस्ट मास्टर क्या, उनको बोलता हूँ सर्च करके यहाँ से बैठ कर बताया. लोगों ने ज्वाइन किया एंड दे आर इन्जॉइंग सो मच. या बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता है. एक फ्रेंड्स, आज हम शाम को वीकेंड में गैदरिंग करते हैं, कितने हम गेट टुगेदर करते हैं, कितने ग्रुप्स बनाते हैं, किस लिए? जस्ट अपनी बोरियत को दूर करने के लिए. ऑफ कोर्स अपने ट्रेडिशन कल्चर तो एक उसमें होता ही है, लेकिन हम बोर हो जाते हैं लाइफ से, मोनोटोनसनेस से, तो वी वांट टू गो आउट. टोस्ट मास्टर आप जाते हो, उसमें आपकी लर्निंग भी होती है और आपको कंपनी में भी मिलती है, आपके वहाँ पर कस्टमर भी मिल सकते हैं. और इज अ वंडरफुल प्लेस दोस्तों. तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट द टोस्ट मास्टर इज़ वन ऑफ द आई वुड से cheaper rather, I should not use the cheapest, that is a bad word. Lekin suppose ki aap agar GTA mein greater Toronto area mein rehte hain, to yahan pe around 200 club hain. Aap jaye do teen baar as a guest, jaye free mein jaye, and then once you decided to join, it comes around $150 to $200 a year. Basically around $15 to $20 aapko mahine ke dene hote hain. Books milta hai, curriculum milta hai, aur that is a, मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि कोई भी इमिग्रेंट, स्पेशली साउथ एशिया से हैं, इंडिया से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, अफगानिस्तान से, इन मुल्कों से कोई भी लोग कैनेडा, यूएस और यूरोपियन कंट्री में अगर माइग्रेट होके आए हैं, तो मस्ट है कि टोस्ट मास्टर ज्वाइन करें. वो आपको लॉन्ग रन में इतना ज़्यादा रिटर्न देगा दोस्तों कि आप मेरे को थैंक यू बोलेंगे. या बहुत बढ़िया. और जहाँ पे भी, फॉर दैट मैटर जहाँ पे भी हैं, आज तक अगर दोस्तों आप देखें, चाहे वो कोई सेल्स में हो, कोई मार्केटिंग में हो, या कोई पॉलिटिक्स में हो, किसी भी लीडर को आप देख लें, कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स इन देयर कैरियर. सो यू विल नेवर गो रॉन्ग बाई इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ये चीज़ हो गई दोस्तों. मैंने जैसे बताया कि नेगोशिएशन में दो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं दो मेन चीज़ें ले रहा हूँ. यहाँ पे एक हो गया कम्युनिकेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन से मेरा क्या तात्पर्य था, और ये भी मैंने बताया कि वहाँ के उसके लिए कौन से रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं दोस्तों. तो ये रहा हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके. अब दोस्तों, अब दूसरी बात जो नेगोशिएशन में आती है, मैंने बताई पोजिशनिंग. चलिए थोड़ा इस पर भी हम क्या कहते हैं, रोशनी डालते हैं कि पोजिशनिंग से मेरा क्या तात्पर्य है, पोजिशनिंग से मेरा क्या मतलब है दोस्तों. पोजिशनिंग का मतलब हो गया एक तरीके से आपके जो पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है. अब जैसे सपोज कि एक रिचर्ड ब्रांसन है, ही इज अ बिलियनियर, अगर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहे किसी बात को लेकर, तो आपको तो प्राउड होगा, अरे रिचर्ड ब्रांसन इज टॉकिंग टू मी. फॉर दैट मैटर कि आपकी पोजिशनिंग क्या है. बेसिकली मार्केट में आज की डेट में अगर हम देखें, हम उसको बोलते हैं सोशल इक्विटी, कि आपकी सोशल इक्विटी क्या है, आपकी रियल इस्टेट इंटरनेट रियल इस्टेट क्या है. बेसिकली आपको अगर आपका नाम डाला जाए, फॉर इंस्टेंस आपका नाम क्या कहते हैं पूर्णिमा मोहन है, तो पूर्णिमा अगर मोहन डालें, इतनी पूर्णिमा मोहन जी, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू मेड अस प्राउड इन कनाडा. पूर्णिमा जी, आपने जो कुछ भी किया है, वो चाहे एज ए
यू नो रेडियो होस्ट और आप हर जगह हैं और आप राइटिंग में यू नो मैं बोलता रहूँगा तो आपके बारे में बहुत टाइम लग जाएगा. तो जैसे आप पूर्णिमा मोहन जी की जो सोशल इक्विटी है, जो उनकी ब्रांडिंग है, शी हैज अ ब्रांड, दैट सॉलिड ब्रांड, एंड इन सो मेनी रेडियो स्टेशन शी इज इन द सेल्स, शी इज इन एज अ यू नो name the thing she is in the acting. Oh my God, you know, she is such a wonderful lady. She is a lady Kapil Dev of Canada, you know. Jaise Kapil Dev hamare Harfan Maula the, all-rounder the, to Poornima ji hamari un jaisi shaksiyat hai. So thank you, Poornima ji, you know, teaching us and inspiring us and motivating. Ye hota hai, dosto, ki brand, aapki brand kya hai? Jis field mein bhi hai, aap itne popular ho jaan kare, log puchhe kare, yaar is cheez ke liye, sales ke liye, chaliye hum inse baat karte hain. To aap ek positioning karein, aap apne aap mein, agar logon ko lag jayega ki Rakesh Mishra, for instance, Rakesh Mishra, theek hai, Rakesh Mishra, बकवास करते हैं या लेकिन यार कभी कभी कोई बात अच्छी भी बोल जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है कि मेरी एक ब्रांड बन रही है ना. अब जैसे वो लेडी ने फ़ोन किया कैलिफोर्निया से और उन्होंने बताया कि राकेश जी मैंने आपका पिछला सुना और मैंने क्या किया, सच में मैंने लिस्ट बनाई और सबको फ़ोन किया ना, आई वॉज एबल टू नेगोशिएट $500, आई सेड $500 एक कॉल या, तो ये वैल्यू थी उनकी. तो आपके लिए भी बोलता हूँ कि नेगोशिएशन के लिए तो आप क्या करें, जितने भी आपकी यूटिलिटी या जितने भी बिल्स आप जो पे करते हैं सबको कॉल करें, एक दिन बता लें सैटरडे या संडे या फ्राइडे जब भी हैं, और उनको सबको कॉल करें दैट यू वांट टू नेगोशिएट अ फर्दर यू नो दोज बिल्स, बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग चीपर नाउ यू नो इन द सोशल मीडिया इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन, एवरीथिंग गेटिंग चीपर एंड चीपर बिकॉज देर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन, सो यू माइट गेट अ गुड डील या. तो ये होता है दोस्तों, तो आप अपनी ब्रांडिंग बनाएं, आप एक अपना नाम बनाएं. और ब्रांडिंग कैसे बनती है, ब्रांडिंग आप सोशल मीडिया के अकाउंट से बनती है कि किस तरीके से. अब आप मेरे को देखें दोस्तों, फेसबुक में एक अपनी इमेज में मैं अपना एक कोट लिखता हूँ, उसमें मेरा वो राकेश मिश्रा फायर का लोगो होता है, और पिछले 5 दिसंबर 2015 से आज तक का रिकॉर्ड है, एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, एवरी डे आई पोस्टेड वन इन्फोग्राफिक्स विद द कोट. ठीक है, हमें लाइक आए कमेंट आए अच्छा लगता है, लेकिन नहीं वो मेरे को अच्छा लगता है, एक आदमी ने भी देखा या मैं अपना कभी कभी खुद को भी देखता हूँ तो अच्छा लगता है, तो दैट इज वो एक मेरी हैबिट है. और वो एक मैंने टूल खरीद लिया व्हीट स्वीट का, वो अपना $7-8 महीने के देता हूँ और उसके थ्रू हर महीने की 1st तारीख को एक महीने का उसमें पोस्ट कर देता हूँ, और फिर ऑटो में अपना वो अपने आप को भेजता रहता है ऑटो के थ्रू और ना पोस्ट करता रहता है. तो दोस्तों ये होता है, एक ब्रांडिंग होती है किसी भी चीज़ की यू नो. अब उसके बाद जब आपकी एक ब्रांडिंग बन जाती है कि सपोज किया कि आप सेल्स में एक सेल्स को लेके एक ब्लॉग लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं. रियल इस्टेट में कितने लोग हैं दोस्तों, अब रियल इस्टेट में इतने सारे एजेंट हैं, लोग तो ऐसा बताते पता नहीं कहाँ तक सही है कि अंटारियो में उतने घर नहीं बिकते जितने रियल इस्टेट एजेंट हैं. तो दोस्तों क्या हो, अपने आप को थोड़ा सा यूनिक करने आप क्या करें कि आप अपनी आप वेबसाइट आपकी कंपनी की होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो रियल एस्टेट की कंपनीज होती हैं, लेकिन आप अपनी खुद वेबसाइट बना सकते हैं, खुद ब्लॉग लिख सकते हैं दोस्तों, खुद यूट्यूब चैनल बना सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल कनेक्शन, लोगों से मिलें, उनसे बात करें. रियल एस्टेट अगर आपको बेचनी है तो रियल एस्टेट के बारे में बात नहीं करें, उनके फैमिली में बात करें, उनके बच्चों के बारे में बात करें, उनकी और भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी और भी हेल्प हो सकती है, एक उनसे कनेक्शन बनाए. रियल एस्टेट तो आपसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन होता क्या है दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या होता है कि कोई घर की लिस्टिंग सीधे डाल देते हैं और ना कोई इसमें लाइक ना कोई कमेंट ना इंटरेक्शन, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है. दोस्तों पर्सनल कनेक्शन बनाएं, जब आपको पर्सनल कनेक्शन बनाने की आदत पड़ जाएगी तो लोग आपको दूसरी तरीके से लेते हैं, क्योंकि आपका एक ब्रांड बन चुका होता है. आपकी पोजिशनिंग एक हेल्पर की पोजिशनिंग होती है कि यू ऑलवेज रेडी टू हेल्प या Oh, then you are unstoppable. तो दोस्तों मेरा मतलब वो था, you know, maybe I'm not able to express and explain very professional way, लेकिन दोस्तों ये मेरा मतलब था negotiations के लिए, कि अगर आपको negotiation skills learn करनी है, एक communication होगी, दूसरी positioning, आपको positioning बनानी है, basically आपकी अपनी authority establish करनी है, आपको अपना brand establish करना है कि this guy is known for this, you know, Gary Vaynerchuk, he's a brand, yeah, Pat Flynn is a brand. John Lee Dumas is a brand. Grant Cardone is a brand. So these are the brand. Tony Robbins is a brand. Ab Tony, you know, बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई लोग आते नहीं है, उनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है. एक टोनी रॉबिन्स अपना उनका ब्रांड बन गया कि लोगों को टिकट नहीं मिलती है,
या लोग जाना चाहते हैं उनको टिकट नहीं मिलती है, तो ये होता है दोस्तों, ये ब्रांडिंग होती है। नो मैटर, आपको एक दिन में टोनी रॉबिंस बनना जरूरी नहीं है, और ना टोनी रॉबिंस एक दिन में बन गया, 30 सालों से टोनी रॉबिंस, तब वो टोनी रॉबिंस बने, तो अपने फील्ड के आप टोनी रॉबिंस बन सकते हैं दोस्तों। उसमें क्या करें कि उसके बारे में यू नो लोगों से बात करें, कम्युनिकेट करें, कभी कभी लोगों की हेल्प करें बिना किसी सेलिंग पिच के। Just help, just educate. Someone said like, you know, that, the selling through the education, marketing through the education, branding through the education. Just educate on that particular subject and topic you are dealing in your business. Aur phir log aapse connect honge. Aur humare ek PK Sabharwal sahab hain. कभी कभी उनको रेडियो में सुनता था और अभी बहुत एक्टिव हैं। वो इतना अच्छा बताते हैं यू नो कि घर के कैसे क्लीनिंग करनी चाहिए, छोटी छोटी टिप्स देते हैं आपको उस मॉर्गेज और घरों में और कंडो में उनके बारे में तो देते हैं। अब उनका एक ब्रांड है या पीके साहब का, हाँ इसी तरीके से हमारे सुशील तलवार साहब हैं यू नो कि उनका एक टैगलाइन भी है, उनका एक ब्रांड बन चुका है या तो इस तरीके से। तो आप अपना एक ब्रांड बनाएं, आप एक पोजिशनिंग बनाएं मार्केट में, उसके बाद आपको तो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक था हाउ टू, जल्दी से रैप अप करूंगा, और रैप अप करने के पहले कुछ नाम जो अभी जुड़े हैं उनसे फिर से मैं कनेक्ट होना चाहूंगा, नाम लेना चाहूंगा। तो सधोला भाई साहब के बाद हमारे सैम सिंह, थैंक यू वेरी मच। आशीष मिश्रा लालन, थैंक यू वेरी मच। और राजेश मिश्रा जी, थैंक्स अलॉट। प्रवीण मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। दीप सेठी साहब, थैंक्स अलॉट। नीता थैंडी जी, थैंक यू वेरी मच। मार्टिन लोपे, सॉरी मैन, इट्स ए हिंग्लिश शो, हिंदी एंड इंग्लिश, सो यू मे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई हिंदी साइट, बट या। एंड बजिंदर, थैंक यू वेरी मच। बंदर साहब ज्वाइन करने के लिए, जैम मोहम्मद इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हे विनय, ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया, थैंक्स अलॉट मैन। एंड भास्कर सूरी, माई डियर स्टूडेंट, ऑल द वे फ्रॉम न्यू दिल्ली, सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी लिसनिंग। आई विल रैप अप इन क्विकली कि टुडेज टॉपिक वॉज हाउ टू बी ए नो लिमिट पर्सन। सो दोस्तों हमारी लिमिटेशंस कहाँ से आती हैं, हमारे सेल्फ डाउट से, और हमारा सेल्फ डाउट कहाँ से आता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से। तो हमें कॉन्फिडेंस को अगर बढ़ाना है तो दो ही चीज़ें होती हैं, और आज की दुनिया में जिस समय दोस्तों हम रह रहे हैं, एवरी थिंग इज़ फिगर आउटेबल एंड एवरी थिंग इज़ निगोशिएबल। तो हमने इस पे बातें की कि कैसे ये आप हाउ एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल बिकॉज ऑफ दिस यू नो द सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी मेड अस दैट एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल। यू कैन यूज पेड रिसोर्सेज और यू कैन यूज फ्री रिसोर्सेज, एंड मैंने सारा इसमें एक्सप्लेन किया है, आप इसको सुन सकते हैं दोस्तों। और अगर मुझसे बात करना चाहें दोस्तों, आप मुझको पीएम कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं कितने लोगों से बात करता हूं, जितना वक्त मेरे पास होगा 15-20 मिनट में आपसे बात करूंगा। कोई एक, बहुत सारी प्रॉब्लम होती, कोई एक टॉपिक और एक प्रॉब्लम आप ले लें और मैं उसमें आपको सोल्यूशन दूंगा, आपको रास्ते दूंगा, आपको रिसोर्स दूंगा। नहीं मालूम होगा तुरंत तो मैं मालूम करके बताऊंगा, अच्छा लगता है दोस्तों। या रीच आउट टू मी, यू कैन राइट टू मी माई ई मेल youreachrakesh@gmail.com, या हमें पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट यू टू यू नो टू टेल यू द रिसोर्सेज। हर आदमी हर चीज़ नहीं जानता, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप संकोच बस थोड़ा सा नहीं पूछते हैं, तो ask, ask, there is a power in ask. You can ask me, you can ask your friends, you can ask whoever you feel you get answer from. कभी कभी लोग इंतज़ार करते हैं कि उनसे कोई पूछे, लेकिन लोग डर के मारे या हेजिटेशन के मारे या रिजेक्शन के मारे या एम्बैरेसमेंट की फीलिंग के मारे लोग पूछते नहीं हैं। तो ये था दोस्तों यू नो हाउ टू यू नो हाउ टू यू नो एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, सो दोज आर रिसोर्सेज। इसी तरीके से हमने दोस्तों बताया कि हाउ एवरीथिंग इज नेगोशिएबल, उसके लिए दो स्किल्स थी, एक कम्युनिकेशन की और एक पोजिशनिंग की, और किस तरीके से करना है हमने कुछ रिसोर्सेज भी बताए हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कोई भी चीज़ में आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, कमेंट करें, या अगर आप इसमें लगता है किसी और के ये काम ये चीज़ आ सकती है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं दूसरों से, इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मैंने क्या किया है कि जो हमारे पीछे एपिसोड है, कम से कम 3 महीने से कर रहा हूँ, वो सारे एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल मैंने इसके लिए बनाया है और वहाँ पर अवेलेबल हैं और आप सुन सकते हैं। उसकी लिंक हर एपिसोड में मैं डाल देता हूँ, उसको क्लिक करेंगे तो सारे 12-13 जितने एपिसोड YouTube में पड़े हैं आप उनको सुन सकते हैं, या दूसरों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई सजेशन आप चाहें वो
आप ज़रूर लिखें और कमेंट एरिया में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस वादे के साथ कि अगले मंडे को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और इसी मार्च के महीने में आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि हम फैमिली के साथ इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं और वहाँ पे भी सेमिनार हैं, स्पीचेज हैं, वर्कशॉप हैं और मैं सोशल मीडिया में अपडेट करता रहूँगा। तो जो लोग वहाँ पे हैं, अगर पास में हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मीट यू गाइस इन इंडिया। तो हमारा ट्रिप शुरू होगी और हम फिर इंडिया में, और अगर वहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम वहाँ से भी फेसबुक लाइव ऑडियो किया करेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एवरीबडी। एक बार फिर से अच्छा लगता है नाम लेना उन लोगों के जो लोग ज्वाइन करते थे। एक बार जल्दी से फिर के सबके नाम लेता हूँ। संजीव मिश्रा जी, मुकुल देसाई साहब, पूर्णिमा मोहन जी, राकेश दत्त जी, पंकज मोंगा साहब, अशोक शर्मा जी, मियाँ शरीफ साहब, सधोला मिश्रा भाई साहब, सैम सिंह, आशीष मिश्रा, लालन मेरे साले साहब, राजेश मिश्रा जी, प्रवीण मिश्रा जी, दीप सेठी साहब, नीता थांकी सी, मार्टिन लोपेस, बलजिंदर सिंह साहब एंड जैम, मोहम्मद इस्माइल जी, विनय बाबू, भास्कर सूरी एंड वरुण दीवान। एवरीबडी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ फॉरवर्ड इफ यू लाइक टू अदर्स विच वर द प्लेटफॉर्म यू आर इन। सो विद दैट सल्यूट टू यू, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग। और वादा करता हूँ कि अगले सोमवार को 9 बजे इंडिया टाइम पे फिर आपसे मुलाकात होगी और कोई और टॉपिक लेके आएंगे। और आप चाहें तो आप खुद टॉपिक कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक को पिक कर सकता हूँ। अदरवाइज कोई एक अजीब सा बढ़िया सा टॉपिक लेके आएंगे, मजा आता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ब्लेसिंग ब्लेसफुल वीक अहेड। थैंक यू।